नमस्कार दोस्तों, स्वागत है टेक डील लेटेस्ट चैनल पर। मैं हूं अनिल। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो में बनाने वाला हूं, क्योंकि आप देख सकते हो मेरे पास एक छोटा नॉर्मल सा बजट फ़ोन है एंड ये भी जो चाइनीज़ है, एंड यहां पे मेरे पास है एक सोनी का वायरलेस ब्लूटूथ हेडसेट जिसका मॉडल नंबर है ZX220BT। मैं एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ दोस्तों, इसके साथ क्या इसका कनेक्ट हो जाएगा वायरलेसली। ऐसे तो ये जो है कोई भी स्मार्टफोन, लैपटॉप या कोई भी टीवी के साथ कनेक्ट हो सकता है, ये कोई भी वायरलेस ब्लूटूथ हेडफोन, लेकिन इसके साथ क्या कनेक्ट हो जाएगा तो एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोस्तों सबसे पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरा चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड सब्सक्राइब करने के जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि इस टाइप के जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन वीडियो में अपलोड करता हूँ आपको सबसे पहले मिल जाएगा। एंड वीडियो को लाइक कीजिए एंड दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले करना क्या है कि मेरे पास जो वायरलेस हेडसेट है यहाँ पर आप देख सकते हो वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम डाउन एंड नेक्स्ट एंड नेक्स्ट करने का ऑप्शन है। एंड यहाँ पे दोस्तों मैं बता दूँ, यहाँ पे जो है पावर का, ऑन ऑफ का एंड फ़ोन कट करने का ऑप्शन है एंड रिसीव करने का। एंड यहाँ पे दोस्तों जो है चार्जिंग सॉकेट है एंड यहाँ पे जो माइक है दोस्तों। तो सबसे पहले क्या करना है, इसका जो है दोस्तों इसको मैं रहने देता हूँ अभी। मोबाइल पर क्या करना है, मोबाइल पर मैं देख लेता हूँ बजट फ़ोन पर कैसे आपको जो है इसका ब्लूटूथ सेटिंग पर जाके करना है। सबसे पहले दोस्तों आपको जाना है इसका ब्लूटूथ सेटिंग में, तो मेनू पे चलते हैं। मेनू पे जाने के बाद इसका आएगा टूल, तो टूल पे आपको क्लिक कर लेना है दोस्तों। टूल पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपका क्या होता है, यहाँ पे अलार्म है, कैलेंडर, कैलकुलेटर एंड ब्लूटूथ। जी हाँ दोस्तों, ब्लूटूथ पे आपको क्लिक कर लेना, ओके कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो ब्लूटूथ, इसमें आपको टिक कर लेना है, ऑन कर लेना है। अभी देख सकते हो ब्लूटूथ ऑन हो गया। एंड यहाँ पे दोस्तों ब्लूटूथ विजिबल, जी हाँ दोस्तों ब्लूटूथ जो विजिबल है ये करना ज़रूरी है, तो मैं इसको एक्टिव कर दूंगा। एंड यहाँ पे पेयर डिवाइस पे क्लिक कर दूंगा, तो मैं ऐड करूँगा एंड यहाँ पे सर्चिंग होता रहेगा। तो उसके बाद क्या करना है दोस्तों, आपका जो स्मार्ट वायरलेस हेडसेट है इसको पावर जो है इसका तरीका क्या है, 7 सेकंड के लिए अगर ये ऑफ है तो इसको ऑन करने के बाद नया डिवाइस के साथ कनेक्ट करने के लिए 7 सेकंड इसको दबा के रखना। मैं दबा के रखूँगा 7 सेकंड के लिए, आप देखोगे ये ऑन हो गया। एंड अभी रेड सिग्नल आएगा दोस्तों कि इसको वॉइस भी दे रहा है, जी हाँ दोस्तों रेड एंड ब्लू इसका हो रहा है। एंड यहाँ पे दोस्तों आप जैसे देखोगे कि आपका जो है मोबाइल पे यहाँ पे सर्च होके आ जाएगा MDR ZX220BT। एंड यहाँ पे मैं कर दूँगा पेयर, तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक पेयर ऑप्शन आ रहा है, एक बैक ऑप्शन आ रहा है, तो मेरे को कनेक्ट करना है, देखना है कनेक्ट होता है कि नहीं, तो मैं यहाँ पे कर दूँगा पेयर। तो पेयर पे मैं जैसे क्लिक करूँगा इसका आ रहा है कि ब्लूटूथ डिवाइस जो है कनेक्ट होके हो चुका है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर जो है यहाँ पे एक साइन आ रहा है ब्लूटूथ का, तो यहाँ पे जो मैं दिखा दूँ ये ऊपर एक साइन आ रहा है कि कनेक्ट हो गया। एंड यहाँ पे आप जैसे मैं एक केयर में कॉल करूँगा 1503, तो यहाँ पे जैसे मैं BSNL से कॉल करूँगा इसमें आपको सुनाई नहीं देगा, लेकिन कॉल रिसीव हो गया। एंड यहाँ पे जो दोस्तों आप जैसे मैं नज़दीक लेके आऊँगा आप सुनाई दोगे कि यहाँ पे ब्लूटूथ का मतलब जो कॉलिंग का साउंड सुनाई दे रहा है। एंड यहाँ पे जैसे मैं लाउड स्पीकर करूँगा आपको दिखाई देगा, सुनाई देगा कि कनेक्ट हो रहा है, लेकिन ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट होके रखा है। एंड यहाँ पे साइन दे रहा है मतलब वन ब्लिंक हो रहा है कुछ सेकंड में, मतलब ये कनेक्ट होके रखा है। तो दोस्तों ये जो एक्सपीरियंस था बहुत ही अच्छा रहा। एंड ये जो है आप इसको इसके साथ कनेक्ट करके आप गाना सुन सकते हो, वीडियो देख सकते हो एंड FM चला सकते हो एंड आप कॉलिंग भी कर सकते हो। खाली ये नहीं, कोई भी ब्लूटूथ हेडसेट लगा के आप वायरलेस लगा के आप कनेक्ट कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।